हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब वीडियो। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब वीडियो। तो गाइस देखिए, मम्मी आज बना रही हैं कुछ सब्जी बना रही हैं। पता करते क्या बना रही हैं, देखते हैं। अरबी के पत्ते बनाओ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अरबी के पत्ते रखे हुए हैं और कुछ धनिया रखी हुई हैं और बेसन ले लिया है, जिसका मतलब अरबी के पत्तों की सब्जी बनने वाली है गाइस। तो आज और ये पता नहीं क्या कर दिया है वो, इसमें भाप बनाने की प्रोसेस की जा रही है। पता है इसमें कपड़ा लगा दिया है। मम्मी जी, इसमें क्या होने वाला है? इस भवनी में क्या करा है इसमें? इसमें पानी रखा है। इसमें पानी रखा है? अच्छा चलो भाई, इसमें पानी रखा हुआ है, देखते हैं अब इससे क्या होगा। अब इन्होंने देखी गाइस, बेसन लिया है और बेसन में कुछ डाला है, अजवाइन डाला है, अजवाइन डाला है और ये क्या डाला है, पिसी धनिया डाली है गाइस। तो देखते रहे अभी क्या बनने वाला है गाइस। देखिए हल्दी डाल दिए गाइस, मिर्ची डाल दी है, हींग डाल दिए गाइस। देखिए नमक डाल दिया गाइस। तो गाइस देखिए, अभी बेसन में पानी डाल लिया है और देखिए इसका पेस्ट टाइप का बना लिया है गाइस। और देख सकते हैं आज ये अरबी के पत्ते हैं और अरबी के पत्ते को ले लिया है। ये अरबी की पत्ता थोड़ा पता नहीं डिफेक्टिव टाइप का था, इसको अलग कर दीजिए। ये अरबी का पत्ता अच्छा लग रहा है और इसमें लगा दिया है बेसन। तो गाइस देखिए, ये सब्जी बनने जा रही है, अरबी के पत्ते लिए हैं, इसका कुछ बनेगा। देखिए ये इसमें अच्छे से बेसन लगा दिया है ये सर। देखिए गाइस, आज अनोखी सब्जी बनने वाली है, अनोखी सब्जी आपने नहीं देखी होगी पहले कभी, पत्तों की सब्जी गाइस, अरबी के पत्तों की सब्जी। देखिए गाइस इसको कैसे कर रहे हैं, जैसे इसमें हल्दी लगा रहे हैं, इसमें हल्दी वाला पेस्ट लगा रहे हैं। देखो गाइस, हल्दी वाला पेस्ट है नहीं, बेसन का पेस्ट है गाइस, हल्दी नहीं है, हल्दी ऐसा लग रहा है पर ये बेसन है गाइस। हल्दी भी मिली हुई है इसलिए इसका कलर इतना ज़्यादा पीला नज़र आ रहा है गाइस। तो जो क्या है, बेसन है। गाइस इसको देखो, और इसमें अच्छे से बेसन लगा दिया है, इस पत्ते में भी लगाएंगे, इन सभी पत्तों में बेसन का पेस्ट लगाएंगे। ये अनोखी सब्जी बनने वाली है, अरबी के पत्ते और बेसन की। देखिए गाइस क्या बनेगा, अभी आपके सामने देखना है। आपने शायद ही पहले ऐसी सब्जी देखी हो, क्योंकि इसका नाम तो मुझे भी पता नहीं है गाइस। देखिए पत्तों में बेसन का पेस्ट लगाया जा रहा है, ये गुजरात में फेमस डिश है गाइस। हमारी मम्मी बता रही हैं ये गुजरात की फेमस डिश है। तो गाइस आप देखिए, गुजराती लोग देखिए, आपके इधर की फेमस डिश बनने जा रही है ये अरबी के पत्तों को। गाइस देखिए अरबी के पत्तों में, गाइस देखिए, आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। देखिए देखिए गाइस, इन पत्तों को रख दिया है इस भगवानी के ऊपर, इसमें से देखिए गाइस भाप निकल रही है और इसको इससे ढक दिया है, इसमें पकेगा ये। तो गाइस ये भाप से पकेंगे, आप देखिए इसमें रख दिया है से पकने के लिए, बेसन खत्म हो चुका है गाइस, इसी में बनने वाली है। देखिए भुंज तैयार हो चुका है, जुगाड़ू चीज बन गई है। देखिए गाइस इसमें जुगाड़ लगा के बनाया था इसको, तो जुगाड़ लगा के पकाया। देखिए गाइस ये पक चुका है, ये पत्ते अरबी के पत्ते कहते हैं इनको, और इसमें लगा था बेसन, अरबी के पत्ते को जुगाड़ करके बनाया था। देखिए गाइस अरबी के पत्ते की सब्जी बनेगी ये गाइस। ये देखिए रोल रोल इसका निकाल लिया भर जो बना के रखे थे, इसको स्टीम भाप से पकाया गया है गाइस। गाइस देखिए ये पक चुका है गाइस, थोड़ी ठंडे होने देंगे, अब इसको कुछ देर के लिए ठंडा करेंगे। ये अनोखी सब्जी गाइस, जुगाड़ू तरीका से बनी। तो गाइस देखिए आप,
बन रही है अरबी के पत्तों की सब्जी। और देखिए गाइस, मम्मी ने ले लिया मसाले। गाइस हमारी वीडियो बने रहे, हमारी वीडियो पर लाइक करें। भाई क्या तेरे मसाले की तू? तो गाइस देखिए, जीरा डाल दिया, हल्दी मिर्ची धनिया है इसमें, जीरा डाल दिए हैं। और गाइस प्याज ले लिया, प्याज काट रहे हैं इसमें डालने के लिए। गाइस गाइस परसेंटेज बनने वाली है। देखिए अरबी के पत्तों की कैसे रोल किया है। तो आप गाइस कमेंट करके बताइए आपके दोस्तों क्या बोलते हैं, नाम बताइए किस तरह से अरबी के पत्ते बना लिया। गाइस यहां की सब्जी है आपकी, के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता हूँ यार। पहली बार हमारे घर बन रही है, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। तो गाइस देखिए इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। आप लोग ले लिया होगा, ऐसी सब्जी बनी है आदमी के पत्ते की। थोड़ा सा गर्म मसाला, गाइस देखिए अब इसको काटा जा रहा है। देखिए गाइस इन पत्तों को काटेंगे और इसमें लगा हुआ है बेसन, और इसको अच्छे से पका लिया है, भून लिया है, इसको फिर मसाले में डालेंगे। गाइस देखिए अरबी के पत्तों की सब्जी बन रही है। आपके इधर इसको क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना। हमारे इधर किस सादी भाषा में अरबी के पत्ते बोलते हैं और घुइया भी बोलते हैं, घुइया के पत्ते भी बोलते हैं। घुइया के पत्ते हैं ये गाइस, तो ये घुइया के पत्ते। देखिए गाइस इसको नाम पता चला है, घुइया, घुइया के पत्ते। तो घुइया के पत्तों की सब्जी बनाई है। देखिए गाइस मसाला भी तैयार हो रहा है, इसमें डालेंगे घुइया के पत्तों को। गाइस इसमें लगा हुआ है बेसन। गाइस आप देख सकते हैं पास से इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं पान, पान के जैसे। देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है। अब इन पत्तों को एक टुकड़े कर लिए हैं, घुइया के पत्ते को पहले तरूल बनाया था, और फिर छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। इन टुकड़ों को मसाले में डालेंगे और सब्जी की तैयार हो जाएगी। तो गाइस वीडियो बनाने में देखते रहें, अनोखी सब्जी बन रही है घुइया के पत्तों की, अरबी के पत्तों की। गाइस देखिए गाइस देखिए गाइस, तो देखिए गाइस देखिए घुइया के पत्तों की सब्जी, अरबी के पत्तों की सब्जी। देखिए गाइस इसको हमने फ्राई कर लिया है। गाइस देखिए इसको मसाले में डाल दिया है, बिल्कुल घुमा रहे हैं। तो गाइस देखिए ये अनोखी सब्जी है। गाइस देख के लगाया कि अलग सही टेस्ट, कल टेस्ट आने वाला है। देखिए गाइस स्पेशल सब्जी देखने में कितनी प्यारी लग रही है। खाइए इसको और बनाइए इसको, और हमसे रोज नई नई डिश सीख सकते हो आप लोग। गाइस हमको कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, बताइए हमको। आप कहाँ से हैं, वीडियो हमारी देख रहे हैं, बताइए कमेंट करके बताइए। नहीं हम नहीं बताएंगे हम कहाँ से हैं, आप हमारा वीडियो को लाइक करिए, मगर हम नहीं बताएंगे इधर से हम कहाँ से हैं। जी नई सब्जी है, नहीं तो नहीं है, अरबी का पत्ता है, घुइया का पत्ता नहीं तो नहीं है। सब लोग बनाते हैं, अपने अपने तरीका अलग अलग है बनाने का। गाइस तो हमारी वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारी वीडियो देखे खाने के अलग अलग बनाते हैं हम सब्जियाँ, मजा आ जाएगा। हमारी बिल्कुल देसी तरीके से घर की सारा तरीके से, कोई स्पेशल मसाले नहीं डालते हैं। गाइस जो घर में किचन में मसाले हैं वही से बनाते हैं सब्जियाँ। गाइस एक नंबर टेस्टी सब्जी बनती है हमारी, खाने में जाएगा आपको। देखिए गाइस अपने अलग बनाने का हमारा ऐसा तरीका है, हम ऐसे बनाते हैं। आप कैसे बनाते हैं गाइस बताना कमेंट करके। इसको किसी से भी मतलब खा सकते हैं, पूड़ी से भी खा सकते हैं, पराठे से भी खा सकते हैं, और रोटी से भी खा सकते हैं। चावल छोड़ेंगे क्योंकि सूखी सब्जी है, चावल से नहीं छोड़ेगी।